और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त गांधी प्रतिमा के सामने धरना चल रहा है, एनडीए का ये धरना है संसद परिसर में, और इसमें वो नारा दे रहे हैं संसद चलाओ देश बचाओ का। गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों का धरना, एनडीए के ये सांसद हैं जो संसद परिसर में धरना दे रहे हैं। विपक्ष के विरोध के खिलाफ ये धरना एनडीए के सांसदों की तरफ से दिया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है संसद चलाओ देश बचाओ का। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए का संसद परिसर में धरना, और ये वही गांधी प्रतिमा है जहां पर दो दिन पहले कांग्रेस के सांसद धरना करने वाले थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई में, लेकिन उसे टाल दिया गया था। अब गांधी प्रतिमा के सामने एनडीए के सांसदों का धरना चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले तीन दिनों से संसद की कार्यवाही ठप पड़ी है, विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त ये धरना चल रहा है। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं और उनके साथ एनडीए के भी कुछ सहयोगी मौजूद हैं। महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद भवन में, उसके बाहर धरने पर बैठे हैं और सबके हाथ में आप ये स्लोगन्स देख रहे होंगे। ये वही स्लोगन्स हैं जो तीन दिन से लगातार बीजेपी के सांसद उठा रहे हैं। इसमें उन सब स्कैम की चर्चा है, उन सब भ्रष्टाचार और घोटालों की बात की जा रही है जो आरोप कांग्रेस शासित राज्यों में के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस शासित राज्यों में जो कई घोटाले सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से, ये आरोप लग रहे हैं और यही तमाम चीज़ें यहाँ पर भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं। जाहिर है कि ये मुद्दा अभी कुछ दिन तक क्योंकि थमने वाला नहीं है। अगर हम कांग्रेस और विपक्ष का रुख देखें तो वही रणनीति अब बीजेपी ने अपनाई है। किरीट जी, रणनीति क्या है? क्या आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हीं की बात? आप हम चाहते हैं लोगों ने संसद में हमें चुनकर भेजा है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, संसद में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस चर्चा होने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस को भीती है कि उनके केरल का सोलर स्कैम, उत्तराखंड का जो लोगों को नैसर्गिक आपत्ति वाला स्कैम, मुंबई का स्कैम, आदर्श घोटाला, ये सब पे चर्चा होगी